हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है कि सडनली एक न्यूज आई है हमारे लाइफ में कि दो दिन बाद स्कूल चालू हो रहे हैं। मतलब सैटरडे है, सैटरडे को न्यूज आ रही है कि मंडे को स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। और मैंने बहुत प्लानिंग की थी कि 15, 16 या 18 तक स्कूल स्टार्ट होंगे, तो मैं रायपुर में मम्मी के घर रहकर आऊंगी, 3-4 दिन आराम से थोड़ा छुट्टियां स्पेंड करूंगी। वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग एक छोटी सी वेकेशन में, 2 दिन रह गए, वीकेंड है, तो हम लोग चले ही जाते रायपुर। क्यों ना हम बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा कर लेकर जाए, क्योंकि मेन बच्चों को फिर इंजॉय करने नहीं मिलेगा और पूरे सीजन में जश्न को भी मैं कहीं नहीं लेकर जा पाई हूँ। हम लोग आ गए हैं अब रायपुर। रायपुर पहुंच के हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं स्टेकेशन करने। एक दिन का ही हो भले, लेकिन हम एक बढ़िया सा एक 1 डे ऑफ लेते हैं बच्चों के लिए और घुमाते हैं, फिराते हैं, इनको एंजॉय कराते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, ना जशन? एंड नाउ वी आर एट मेफेयर। हम पहुंच गए हैं मेफेयर लेक रिजॉर्ट। यहाँ पर हमने रूम बुक कर लिया है, मतलब हम आज रात को यहाँ स्टे कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन हमने रूम ले लिया है। आगे बैठ जाओ, आगे गिर जाओगे पीछे से। कैसे लग रहे हैं? घुमा नहीं रहे, हमारे रूम तक हमको छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, जशन अभी का ये वाला बेड है। ठीक है, यहाँ पर मैं और जशन, वहाँ पापा और अभी। ठीक है, हाँ चप्पल है हमारे लिए, बाथरूम स्लीपर है, मिनी फ्रिज, मिनी बार एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल बालकनी वी हैव हियर। और बहुत सेफ है बालकनी, मतलब बच्चों के लिए भी काफी सेफ है। हाँ चढ़ जाओ, अंदर घुस जाओ। नहीं पानी चालू नहीं करना अभी, नाचने का नहीं हो। अभी अपन बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत बड़ा सरप्राइज और। हे गाइस, तो वी हैव सक्सेसफुली चेक्ड इन और चेक इन करके हमें बड़ा मजा आया, क्योंकि ट्विन बेड है ना, तो हमें एक्स्ट्रा बेडिंग नहीं लगवानी पड़ेगी, ना घुस घुस के फंस फंस के सोना पड़ेगा चारों लोगों को एक ही बेड में। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर दो हमें क्वीन साइज के बेड मिल गए हैं और हम आराम से यहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था मेफेयर आने का, वो है मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं। जहान इधर देखो, गॉगल पहनो, गॉगल पहन, गॉगल। तो हमारा जहान और जशन रेडी है और मैं भी रेडी हूँ और हम जा रहे हैं अपनी सरप्राइज जगह में। आर यू रेडी? सो आई एम ऑल्सो रेडी और अब हम निकल रहे हैं हमारी स्पेशल प्लेस की ओर। मैंने आपको दिखाया एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक बहुत इंटरेस्टिंग फन पार्क बना है, वाटर पार्क जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज है। तो मैं जशन अभी को स्पेशली यहाँ लाई थी क्योंकि इन्होंने पूल बिल्कुल इंजॉय नहीं किया इस सीजन में, तो मेरे को लास्टली जाती थी कि पूरी गर्मी छुट्टी के एंड में एक दिन इनको ये पानी वाला मिले। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, न्यू है, जशन कर सकता है, जहान बहुत छोटा है उस चीज़ के लिए। और बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको स्विमिंग आनी चाहिए बच्चों को, बट वो नहीं आती, तो वो काफ़ी कुछ यहाँ पे स्ट्राइक आउट हो गया है। ये पूरा एक सेक्शन है, ये बच्चों का एक सेक्शन है, यहाँ पर बहुत कुछ है, कायाकिंग, बनाना राइड, बहुत कुछ है, अलग अलग सेक्शन हैं बच्चों के लिए। अच्छा जशन बता कौन सा कौन है, इधर दिखा, अभी पापा मम्मी, डैड पिक, जॉर्ज पेपा, मम्मी पिक, तो ये कर सकते हो तुम लोग, है ना? ब्यूटीफुल। जशन इस बैलून के अंदर जा रहा है और ये बैलून को यहाँ बिठा के जशन को फुलाएंगे बैलून अभी। जशन ठीक हो? मजा आने वाला है। तो ओह माय गॉड, बहुत डेयरिंग है जशन में, बहुत। ये चीज मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ,
बट जश्न कर रहा है। क्या हुआ, अच्छा लग रहा है? उतरना नहीं, ओके ऑलराइट। हो जाएगा हो जाएगा। डर गए जश्न, अब डर गए। ओह गॉड, इतना डेयरिंग से बैठ तो गया था, उसको डर लग रहा है। ओके ओके, बंद करा रहे बंद करा रहे बंद। चलो फिर चलते हैं, तुमको नहीं करना ये सब तो। चलो चलो, हाँ चलो। वो सब बोर्ड्स नहीं है, ये तुम हमको करने वाला बच्चों है, तुमने ये सब नहीं किया। कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सब देखने के बाद हम आ गए हैं जिस बाजू में, यहाँ पर छोटी सी चौपाटी टाइप की बनी है, यहाँ पर हम बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। खुद डर लग गया था तो उन्होंने बस एक आधी राइड लिया, जशन जैसे एक तो बार डेयरिंग दिखाई बट वो नहीं कर पाया। तो ठीक है जशन, आपने अच्छा किया। जशु क्या हुआ? जशन को बहुत गर्मी और प्यास लग रही है ना, तो कोल्ड ड्रिंक ले गए। तो कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स आवर नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो अभी का हमारा प्लान ये है कि हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम पूल जाएंगे। वाओ, यहाँ तो तुम लोग बहुत एंजॉय कर सकते हो। हाँ तो तुम लोग एंजॉय करके फिर आना, ठीक है? मैं सामने चेयर में बैठी हूँ। ओके, जहान का शेर मिल गया। ओए ओए, अरे जहान पहले आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनोगे। ओके ओके ओके, पहले किड्स वाले में देखो, दूसरे को पकड़ना मत। तो यहाँ पर हम इनके लिए ट्यूब भी लेकर आए हैं, ये दो ट्यूब्स हैं, पर हमको इनको फुलाना है तो उसका जुगाड़ देख रहे हैं। यहाँ पे कोई मिल जाए हमको पंप। एक्चुअली मेरे पास इसका पंप भी था बट मैंने सोचा सूटकेस में बहुत ज़्यादा लगेज जाएगा, तो मैं बहुत थोड़ा, मतलब एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा पंप था इसके साथ जो मिला था, तो वो मैं नहीं ला पाई, तो अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। ओके, तो दोनों ट्यूब्स हमारी रेडी हैं। ये है क्रोकोडाइल और ये है शीप। कैप्टन नहीं जा रहे हैं, वो यहाँ पर चिल करने वाले हैं आराम से, तो मैं और बच्चे हम जाएंगे पूल में। सो गाइस, ये थी हमारी बहुत ही अमेजिंग और समर्स को बाय बाय करते हुए एक छोटी सी वेकेशन, और इसके बाद हमने स्कूल स्टार्ट होने थे तो हम जस्ट नेक्स्ट डे ही अपने घर वापस आ गए दुर्ग। तो ऐसा ही आप भी छोटा सा एक स्टेकेशन ले सकते हैं अपने बच्चों के साथ स्कूल स्टार्ट होने से पहले। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।